राजस्थान के जिला झुंझुनू तहसील उदयपुर वाटी अंतर्गत कस्बा गुड़ा गोरची में राजस्थान पुलिस के सीआईजी पुलिस अधीक्षक किशन सहाय ने मानवतावादी विश्व समाज के बैनर तले अपने विचार व्यक्त किए कि सबसे पूजनीय व्यक्ति वे होते हैं जो मानवता व नैतिकता के विचार स्वरूप कार्य करते हुए चलते हैं। वे ही व्यक्ति आदर्श सभ्य पूजनीय व्यक्ति कहलाते हैं। जो बेईमानी में धोखे से कार्य करते हैं वे देशद्रोही कहलाते हैं तथा बेईमानी से कमाए हुए पैसों को ऐशो आराम से खर्च करते रहते हैं तथा गरीबों पर अत्याचार करते हैं और कई धनवान और मूर्ख व्यक्ति 10-10 लाख रुपए एक साथ खर्च करके दुरुपयोग कर देते हैं। जब इन्हीं पैसों से बेसहारा साध्य रोगी का व गरीब की बेटी के लिए खर्च करे तो बहुत ही परोपकारी कार्य कहलाता है, लेकिन ऐसा नहीं करते तथा दूसरी बात ये समझाए कि कहते हैं कि मनुष्य को कई प्राणियों की योनि से गुजरना पड़ता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे दादा से मेरे पिता से मैंने जन्म लिया है, यही पुनर्जन्म है मनुष्य के। मरने के बाद सिर्फ शरीर मिट्टी समान है, ऐसा नहीं मानना चाहिए कि मेरे शरीर से निकले प्राण दूसरे जन्म लेने वाले प्राणी में चले जाएंगे। और राम गोपाल जी ने प्रत्यक्ष में दिखाकर समझाया कि जादू दिखाना सिर्फ हाथ की सफाई है तथा कोई ताबीज अंगूठी के प्रत्यक्ष में दिखाकर बताया। हिंदी के वरिष्ठ विख्यात ताराचंद मीना ने उक्त विचारों पर ध्यान मनन व चिंतन करने की बात कही।